हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की टाइप 5। अब पिछले वीडियो में हमने अब देखा था कि टाइप 4 के कैसे शॉर्टकट्स थे और किस तरह से हम लोग ने उसको इजीली सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 5 की। ये टाइप 5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के स्टेट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4.5 ही नहीं, बाकी आगे की एक्सरसाइज में महाराष्ट्र की बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से आगे की बहुत सारी एक्सरसाइज में इनका यूज़ आता है। जब 4.4 जो हम लोग बात कर रहे हैं, 4.4 में इनका इसका यूज़ है, फिर 4.5 में इसका यूज़ है, 4.6 में इसका यूज़ है, देन इवन 4. आपका आगे बढ़ के 9 और 10 में भी इसका यूज़ है। तकरीबन जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तकरीबन 5 से 6 एक्सरसाइज के बीच में यूज़ होता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कंसेप्ट है इंटीग्रेशन में जो आज हमको डील करना है। इसमें बेसिकली हम लोग जो फॉर्मूले कवर करेंगे वो फॉर्मूले हो गए हमारे 1 upon x square plus a square dx, 1 upon a square minus x square dx एंड 1 upon x square minus a square dx। ये फॉर्मूले की लिस्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, उसको आप चेक करिए। इसके अंदर क्या है, जब ये फॉर्मूला होगा हम लिखेंगे 1 upon a, इट्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, और ये 1 upon 2a लॉग ऑफ यह आएगा a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और इट इज़ 1 upon 2a लॉग ऑफ दैट इज x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ये तीन फॉर्मूले जिसके बेस पे आज हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके टाइप एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको हमको देखना है कि किस तरह से सॉल्व होगा। इस तीन फॉर्मूले में याद रखना है हमको कि यहाँ पर एक टर्म वेरिएबल है और एक टर्म कांस्टेंट है। एक्स का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 1 upon a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। जब इसकी बात करेंगे तो मैंने फॉर्मूला समझाते वक्त में समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो ये लिखते हैं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर जो है x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव होता है और हम लोग लिखते हैं कि log ऑफ माइनस एक्स, तो हम इसको लिखते हैं 1 upon log of x लिखते हैं, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसके लिए ये जो फैक्टर है a x माइनस वाला वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और इसके लिए फैक्टर जो बनेगा x माइनस है और x प्लस है वो एज इट इज़ आएगा, x माइनस है अपॉन x प्लस है। ठीक, अब हम लोग इसके टाइप को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके पैटर्न पे आते हैं। तो टाइप 5, इसमें हमारे पास टाइप 5 एक क्वाड्रेटिक दी होती है। टाइप 5 1 upon integration of 1 upon ax square plus bx plus c dx। इस इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक को हमको कन्वर्ट करना होता है लास्ट 3 फॉर्म्स में जो मैंने अभी इससे पहले बताया। अब इसमें क्या करना है हमको, इनको जैसे हमने 10th में एक मेथड किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो या तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिए, या फिर हमारे पास 2 मेथड हैं इसको बात करने के, मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस कर लूँगा ताकि जो इजी लगे आप उसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमको ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट होगा उसको हमको कॉमन बाहर निकाल लेना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, टेक कॉमन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 upon a। ये स्टेप का हो जाएगा, ये स्टेप दिखेगा। अब हमको करना क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऐड एन सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ b बाय a द होल स्क्वायर।
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वन अपॉन ए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर डी एक्स। समझ रहे हैं? अब ये जो फर्स्ट थ्री स्टेप्स हमारे पास आ गए, हमने इसका जो स्क्वायर किया b का स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर वो इधर ऐड किया और इधर पे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गए ये हमारे पास फॉर्मूला देंगे x प्लस ए द होल स्क्वायर या x माइनस ए द होल स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन दिस कोफिशिएंट साइन, जो भी कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पर हमको मिलेगा जैसे ये प्लस और माइनस के हिसाब से, या तो प्लस ए स्क्वायर या तो माइनस ए स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर उसके हिसाब से हमको इसको कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा है टाइप फिफ्थ, एक फर्स्ट मेथड ऑफ टाइप फिफ्थ। अब इसका मैं सेकेंड मेथड आपको बताता हूँ, सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम दो क्वेश्चंस करेंगे, एक फर्स्ट मेथड के ऊपर और एक सेकेंड मेथड के ऊपर, ताकि दोनों तरीके से अपने को समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। अब देखिए इस टाइप में जो है सेकेंड टाइप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो है बी स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर बी स्क्वायर बाय फोर ए को हम ऐड कर देंगे विदाउट टेकिंग एनी कॉमन एंड ऑल। हम किसी कोई चीज़ कॉमन नहीं निकाल रहे, हम देखेंगे इसमें ए क्या है बी क्या है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी होता है किसका, एक्स का कोफिशिएंट। हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर अपॉन फोर ए, दिस फैक्टर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा स्टेप वन बन गया। अब ये होगा हमारा स्टेप टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए देन प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए डी एक्स, ये हो गया। अब जैसा स्टार्ट लास्ट था कि अब ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर या x माइनस ए द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर दो कॉमन। अब इसके अंदर क्या करना, क्या इसको अप्लाई करना है जो फॉर्मूले के हिसाब से और आंसर निकाल लेना है, दैट्स ये बहुत इजी लग जाता है, बहुत इजी होता है, सिर्फ बी स्क्वायर बाय फोर ऐड करना और हमको आंसर आ जाता है। तो ये दो मेथड है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आप लोग को ईजी लगता है, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा ईजी मेथड लग रहा है। देखो बच्चों, वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टेन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये नाइन हो गया। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ये सिक्स हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर, यह होगा हमारे पास बी स्क्वायर बाय फोर ए, तो बी क्या है हमारे पास में सिक्स, सिक्स का स्क्वायर बाय फोर इंटू नाइन, थर्टी सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स, आंसर कितना आया वन, यानी हमको क्या करना है इसके साथ वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, वन अपॉन ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन प्लस टेन माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट थ्री टर्म्स ये जो है ये हमको वेरिएबल का स्क्वायर देंगे, इसको कैसा लिखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखना है, तो नाइन है तो क्या लिखेंगे थ्री, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म की साइन हमारे पास क्या दिख रही है प्लस, तो हमको लिखेंगे प्लस, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर रूट वन द होल स्क्वायर प्लस नाइन माइनस वन ये होता है टेन माइनस वन ये होता है नाइन डी एक्स। अब यहाँ पर यह आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डी एक्स, नाइन को थ्री का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन ए यहाँ हमारे पास ए कितना है थ्री, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ क्या आएगा
थ्री एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, ठीक है, और प्लस देखिए अब यहाँ पर थ्री एक्स प्लस वन ये x था पूरा अपॉन थ्री आ गया, लेकिन ये x का कोफिशियंट कितना है, थ्री है। इंटीग्रेशन में लीनियर फॉर्म में जो भी कोफिशियंट होता है उसे डिवाइड करते हैं। अब पूरे इंटीग्रेशन को हम डिवाइड करेंगे वन बाय थ्री प्लस सी, तो ये थ्री आया फॉर्मूले से और ये थ्री आया x के कोफिशियंट से। हमारा फाइनल आंसर वन बाय नाइन टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर। अब इस टाइप में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर से। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो फर्स्ट वाला मेथड है उससे। अब हमारा फर्स्ट मेथड क्या बताता है कि सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लो, तो वन बाय नाइन ये कॉमन आ गया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स बाय नाइन प्लस टेन बाय नाइन डी एक्स। अब यहाँ पर वन बाय नाइन ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल होता है तो टू थ्री से कैंसिल, टू एक्स बाय थ्री प्लस टेन बाय नाइन डी एक्स, ठीक है। यानी सबसे पहले हमको नाइन को कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, तो नाइन डायरेक्ट वन अपॉन नाइन बाहर आ गया, यहाँ नाइन नहीं है तो ये इसके नीचे नाइन डिवाइड कर दिया जाए, इसको भी डिवाइड कर दो, ये आंसर हो गया। अब इधर से अब सेकेंड स्टेप हमारे लिए क्या है, जो भी x का कोफिशियंट है टू बाय थ्री इसका आधा करना है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये टू से टू कट जाएगा, वन बाय थ्री का स्क्वायर वन बाय नाइन, इस फैक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वन बाय नाइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाय थ्री प्लस वन बाय नाइन प्लस टेन बाय नाइन माइनस वन बाय नाइन डी एक्स वन बाय नाइन। अब ये जो है फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारे फॉर्मूला बनेगा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट यानी एक्स, सेकेंड टर्म की साइन प्लस है तो प्लस, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट वन बाय नाइन है तो इसका स्क्वायर रूट वन बाय थ्री द होल स्क्वायर प्लस नाइन, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो टेन माइनस वन नाइन, नाइन अपॉन नाइन कितना हो जाएगा वन डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय थ्री प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री प्लस सी। सो देख सकते हैं दोनों में आंसर एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेथड का फ़र्क है। तो जो जो इजी मेथड आप लोग लगे, मैंने दोनों मेथड इसलिए बता दिया यहाँ पर, कॉमन लेने वाला भी और मेरा जो मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर का वो वाला मेथड भी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। एक इसके ऊपर क्वेश्चन नेगेटिव वाला ले लेते हैं ताकि और भी बात क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग इसको इस सेशन को एंड करते हैं। वन अपॉन सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में जो है एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं हमारे टेकिंग कॉमन, तो हमको करना क्या है, माइनस को कॉमन लेना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन और ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन डी एक्स में। हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जो जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब उस पैटर्न पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा इजीली, ठीक है। और जैसे इसके अंदर अब क्या होगा, सिक्स एक्स का जो कोफिशियंट है उसका आधा, तो सिक्स का आधा थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस सेवन माइनस नाइन डी एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस
अब ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स, सेकेंड टर्म की साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, और माइनस माइनस प्लस और सेवन, ये कितना होता है सिक्सटीन। ठीक है, हो सकता है कभी ऐसा नंबर इधर आ जाए, जैसे नाइन की जगह पे आपके इधर एट आ जाता, तो एट का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो बोलेंगे सर कुछ भी नहीं आता है। नहीं आता है, एट का स्क्वायर रूट आता है टू रूट टू। हम लोग क्या करेंगे, एट है तो इसका स्क्वायर रूट करना है और इसका स्क्वायर लिखना है, तो ये लिखेंगे टू रूट टू का स्क्वायर, टू रूट टू का स्क्वायर आप ओपन करोगे तो एट आएगा। तो वो चीज़ यानी जो भी नंबर है, जैसे थ्री आ गया तो थ्री का स्क्वायर रूट रूट थ्री। ठीक है, अगर आंसर, अगर नाइन का स्क्वायर रूट थ्री आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो वैसे थ्री अगर इधर आ जाए तो थ्री का स्क्वायर रूट रूट थ्री, तो हम इधर रूट थ्री लिखेंगे। अब ये आपका बन जा रहा है क्वेश्चन में माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर डी एक्स, इट्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नाउ अप्लाई दिस वन। अब ये माइनस साइन जो है, अगर मैं अंदर ले लूँ माइनस साइन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इधर पे, तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा वन अपॉन फोर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। और अगर मैं माइनस नहीं लेता हूँ अंदर, तो ये बनेगा मेरा फॉर्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोथ द वे बोथ आर इक्वल, दोनों चलेगा। तो अब यहाँ पर वन अपॉन टू ए, ए की जगह मेरे पास है फोर, तो टू ए देन वन अपॉन टू ए, आगे क्या आएगा लॉग ऑफ, यहाँ आएगा ए प्लस एक्स, ए कितना है हमारे पास में फोर, प्लस एक्स कितना है यहाँ पर एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। तो ये हो गया वन अपॉन एट लॉग ऑफ फोर माइनस थ्री वन प्लस एक्स, फोर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फोर प्लस थ्री सेवन माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। अगर नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं तो इस पैटर्न में हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।